पुलिस ने 14 मई को फलस्तीनियों की हिमायत में पेंटिंग बनाने पर गिरफ्तार किया था को अब रिहा किया गया है। पुलिस ने मुदस्सिर को 3 दिन बाद बगैर किसी चार्ज दर्ज किए रिहा किया। गुल ने फलस्तीन की हिमायत में श्रीनगर के एक पुल पर VR फलस्तीन ग्रेफिटी बनाई थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद गुल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुदस्सिर ने कहा कि उन्होंने ग्रेफिटी फलस्तीनियों की हिमायत में बनाई। अगर यहाँ अपने आर्ट के ज़रिए अपने एहसास को जाहिर नहीं कर सकते तो फिर कौन सा रास्ता बचता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि रिसेंटली यहाँ पे जो पाछे बाग में फलस्तीन के बारे में जो पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था फ्राइडे के दिन आफ्टर फ्राइडे प्रेयर्स, तो उसमें मैंने वो फलस्तीन के रिलेटेड वो फलस्तीनी औरत का वो फेस पेंट किया था ग्रेफिटी आर्ट में बिल्कुल आयरन ब्रिज पे। तो उस दौरान जब वो ये प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट के दौरान ही पुलिस को किसी ने इन्फॉर्म किया तो अचानक वहाँ पर पुलिस आ गई, तो अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे मुझे अरेस्ट किया गया, तो उसके बाद मुझे थाने पहुँचा दिया गया। तो फिर मैं थाने में 3 दिन लॉकअप में रहा। तो लॉकअप में रहने के दौरान मुझे ये पता नहीं था कि मतलब ये खबर सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हो जाएगी कि इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर सवाल उठाए, लीडर्स ने इस पर मतलब ट्वीट किए, तो जिस पर मेरी रिहाई हो गई। और ख़ासकर मैं इंटरनेशनल मीडिया और फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरे तौर के साथ हमारी मदद की। और आखिर में मुझे ये कहना है कि मेरा सवाल ये है कि अगर इन चीज़ों पर भी पाबंदी लगाई जाए लाइक ग्रेफिटी आर्ट जो मैंने किया, तो फिर कौन सा रास्ता बच जाता है कि जिसके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। वाज़ह रहे दुनिया भर में इसराइल के ज़रिए फ़िलिस्तीनियों पर किए जा रहे मजालिम के ख़िलाफ़ मजम्मत की जा रही है, वहीं कश्मीर में भी फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। इस बीच सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीरी नौजवान मुदस्सिर गुल के साथ साथ 20 मजीद कश्मीरियों को हिरासत में लिया था। श्रीनगर से सज्जाद अमीन की रिपोर्ट।